एक पाठक के नाते हम ये इस बात को कह सकते हैं कि लोक स्वामी अखबार ने समय समय पर जिन लोगों के खिलाफ अपने अभियान चलाए हैं, वो अभियान जो है दरिंदगी के खिलाफ अभियान है, गुंडागिर्दी के खिलाफ अभियान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है। उसकी लेखन शैली, उसकी जो प्राथमिकता है, गुनाहगारों को सजा दिलाने की। गुनाहगारों के खिलाफ चलाए गए अभियानों में लोक स्वामी इस नगर के अखबारों में अग्रगण्य रहा है। प्रजातंत्र का चौथा खंभा जिसे कहा जाता है वो पत्रकारिता है। उसके संदर्भ में एक उक्ति जमाने से प्रसिद्ध है, आजादी के बाद से ये कहता रहा है कि जिगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। वो अखबार जो सच्चाई को उद्घाटित करने का दावा करता है और जिसने सच्चाइयों को उद्घाटित करते हुए अपने आप को जनता के निकट पहुंचाने का काम किया है, उस अखबार पर हनी ट्रैप के मामले को लेकर के की जाने वाली कार्यवाही जो है वो अखबार जगत के लिए निंदनीय है। ना तो कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी उसके बहुत बड़ी दस्तक दे करके उस अखबार को क्षतिग्रस्त करा, उसे मिटाया, उसके सबूतों को तोड़ा गया। यदि किसी के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है और वो किसी अखबार का मालिक ठहरता है तो उस मालिक को के साथ में बैठ करके गुफ्तगू की जाना चाहिए थी, उसके पास आए हुए प्रमाणों की जांच की जाना चाहिए थी। वो सब कुछ नहीं करते हुए उन्होंने ये जो कार्यवाही की है, ये शर्मनाक कार्यवाही है। प्रजातंत्र में इस तरीके की कार्यवाही का कोई भी कारण बनता नहीं है, और अगर बनता भी है तो वो विद्वेष मूलक कार्यवाही की श्रेणी में आता है। देखिए, गुनाहों के प्रति कार्यवाही की जाना चाहिए, धर्म है, न्याय सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे वो असाधारण व्यक्ति हो। साधारण और साधारण व्यक्ति के बीच के अंतर को समझते हुए अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो उस कार्यवाही को करने का कोई तरीका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वो तरीका सुनिश्चित किए बगैर ही कार्यवाही को अंजाम देना जो है वो ऐसा लगता है कि ये द्वेषतामूलक कार्यवाही है। जब आदमी अपने बचाव के पक्ष में आता है तो पुलिस को कानून की जानकारी है, पुलिस कानून को जानती है और कानून को जानती है, उसी बिना पर अपराधियों पर कार्यवाही करती है। अपराधी के उनके खिलाफ पास अपराधी के खिलाफ सबूत नहीं होंगे, इसलिए वो लोगों को बुला बुला करके कह रहे हैं कि आओ तुम वो कराओ, या लाला करके वो कर रहे होंगे। ये तो एक साधारण सा मनोविज्ञान है कि आपके पास सबूत है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है तो आप सबूत जुटाने में जुड़े होंगे। ये एक नई परंपरा इन्होंने शुरू करी है, और ये नई परंपरा को शुरू करने के पीछे वो परिवार के मकानात तोड़ेंगे, उनकी दुकानें खोल तोड़ेंगे, उनके परिवारजनों को परेशान करेंगे। अपराधी पर किया जाने वाला कार्य, अपराधी पर लिया जाने वाला एक्शन तो उचित हो सकता है अगर आप उसे अपराधी मान रहे हैं और आपने मान ही लिया कि अपराधी है, ये लिप्त है इसमें, तो उसे उस अपराधी को निरुद्ध करने के लिए संविधान जो है, कानून जो है, वो व्यवस्था देता है। उस कानून ने ऐसी व्यवस्था कहां से दे दी कि तुम इसका मकान भी तोड़ दो, इसको बेघरवार कर दो, उसके भाई भतीजों पर को भी अंदर कर दो, ये कर दो। तो भाई भतीजों का जिनका स्वतंत्र व्यवसाय है वो स्वतंत्र व्यवसाय। आजकल एक परिवार में रहने वाले पिता और पुत्र के बीच में भी अपने अपने धंधों को लेकर के अलग अलग तरीके से कार्यवाही की जाती है, अपने अलग अलग धंधे चलाए जाते हैं, वो उनके स्वतंत्र मालिक होते हैं। और जब वो उनका भाई कह रहा है कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, मैं यहाँ पर अपना स्वतंत्र व्यवसाय करता हूँ, ये मेरे पिताजी की दुकान थी और उस पर मैं बैठा हुआ हूँ, उनका धंधा मुझसे अलग है, स्वतंत्र है, परिवार के होने के कारण हम एक साथ रहते हैं, वो अलग बात है। एक कोई भी परिवार संयुक्त रूप से निवास करता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, हैं? लेकिन परिवार निवास करता और उसके बिजनेस अलग अलग हैं, तो उसे एक ही बिजनेस में समाहित करके उसके ऊपर भी कार्यवाही करना न्यायोचित थोड़ी लगता है।
निस्संदेह अगर निरक्षीर विवेक करने की स्थिति है तो ये जो लोकल लोगों ने जो कार्यवाहियां की है, यहाँ तक अखबारों में लिखा जा रहा है कि इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। अब ये कितना सच है ये तो अखबार वाले ही जानते होंगे, लेकिन अगर इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं और पुलिस वाले ही उस कार्यवाही को अंजाम दे रहे हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं साक्ष्य का संकट है। जब साक्ष्य का संकट है तो साक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं।